सो गाइस फाइनली काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद रियलमी XT डिवाइस में F.05 वर्जन के साथ में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। जिस अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं 1.31 GB का देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस यहां पे ना फाइल साइज आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस इस अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है, करेंगे इसका फुल रिव्यू। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि जिन रियलमी XT डिवाइस के यूजर्स को अभी तक F.05 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो फाइनली उन्हें अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप भी हैं रियलमी XT डिवाइस के यूजर्स तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक ज़रूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट तो हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फाइनली रियलमी XT डिवाइस में रियलमी UI 2.0 के F.05 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। जिस अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को 1.31 GB का देखने के लिए मिल जाता है। जी अगर यहाँ पे फाइल साइज ना आप लोगों को काफ़ी लंबा चौड़ा देखने के लिए मिल जाता है, तो गाइज यहाँ पे ना यूजर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार ये अपडेट में ना क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिला है। सो गाइज यहाँ पे ना आप लोगों को कोई ज़्यादा कुछ मेजर न्यू चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। वैसे आप लोग यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं कि सबसे पहला जो आप लोगों को ना अपडेट लॉग देखने के लिए मिल जाता है वो गाइस आप लोगों को ना सिक्योरिटी में देखने के लिए मिल जाता है, वो है गाइस अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मार्च 2022। इट मीन्स यार आपके रियलमी XT डिवाइस को मार्च 2022 के सिक्योरिटी पैच में अपडेट कर दिया गया है। इट मीन्स यार लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में रन करेगा जब आप अपने रियलमी XT डिवाइस को F.05 वर्जन के साथ में अपडेट करेंगे। तब अगर बात करें नेक्स्ट चेंजेस के बारे में तो वो गाइस ना आप लोगों को सिस्टम में देखने के लिए मिल जाता है, वो है गाइस ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। इट मींस यार ऑप्टिमाइज कर दिया गया है सिस्टम परफॉर्मेंस को एंड इम्प्रूव्ड कर दिया गया है सिस्टम स्टेबिलिटी को। तो गाइस यही कुछ F.05 के अपडेट में चेंजेस देखने के लिए मिला है, जो कि गाइस आप अपने रियलमी XT डिवाइस को ना F.05 में अपडेट करेंगे तो गाइस आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे बग एंड इश्यू थे वो यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद गाइस आपके डिवाइस के जो स्टेबिलिटी है ना वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड गाइस आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाएगा इस अपडेट के थ्रू में। अगर बात करें गाइस यहाँ पे रिव्यू के बारे में, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिवाइस में ना एक बग था, जो आप लोग को ही मालूम होगा यार यहाँ पे ना ऐप काफ़ी स्लो ओपन होता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग को ओपन करते हैं, तो गाइस इसे हम पहले रीसेट कर देते हैं, यहाँ पे रिसेंट में से हटा देते हैं। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे आते हैं, सेटिंग को ओपन करते हैं, तो गाइस यहाँ पे यार ठीक ठाक सेटिंग ऐप खुल जाता है। तो यार अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऐप को खोल के गाइस कैसा वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे यार हम क्लॉक को खोलते हैं, यार देख सकते हो कि लॉक भी ठीक ठाक खुल जाता है। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे ना कैलकुलेटर ऐप को खोलते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि कैलकुलेटर ऐप भी यहाँ पे ठीक ठाक खुल रहा है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट ऐप को हम खोलें कैलेंडर को, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी यार ठीक ठाक ऐप खुल जा रहा है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट ऐप को ऑन करते हैं, वो गाइस यहाँ पे कैमरा को ऑन करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि कैमरा भी यार ठीक ठाक ऑन हो जा रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे ना ये डिवाइस को जैसे इट मीन्स यार रियलमी XT डिवाइस को ना रियलमी UI 2.0 के F.05 के अपडेट में आप जैसे ही अपडेट करेंगे ना, तो गाइस आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू है ना वो फिक्स हो जाएगा। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख रहे होंगे यार ये जो डिवाइस में जो ऐप स्लो ओपन होने का एक बग था वो यार यहाँ पे फिक्स हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर यार ये वाले ऐप को हम खोल के देखते हैं तो गाइस ये भी ना ठीक ठाक यार ओपन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे यार ये ऐप स्लो ओपन होने वाला खैर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। सो गाइस आप भी ना अपने डिवाइस को अपडेट करके कुछ इसी तरीका से जो आपके डिवाइस का जो ऐप जो है ना स्लो हो रखा है गाइस उसे यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। अगर बात करें गाइस यहाँ पे फिर से जो नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो वो गाइस आपको यहाँ पे दिखाते यार कुछ और ओपन करते, यहाँ पे अदर वायरलेस कनेक्शन ओपन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिर से फटाक से ना ओपन हो गया। अब यहाँ पे यार बैक चलते हैं, उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलते हैं, बस ये भी देखिए
फटाक से ना नेक्स्ट स्टेप में चला गया है। तो गाइस यहाँ पे ना यार जो बग एंड इशू था वो तो खैर F.05 अपडेट में अपडेट करने के बाद यार फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे ना इस अपडेट में आप लोगों को कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस अगर आप चाहें तो आप अपने डिवाइस को ना रियलमी UI 2.0 के F.05 में अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें गाइस यहाँ पे ना बैटरी में अगर हम क्लिक करते हैं तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो यार। तो गाइस यहाँ पे ना बैटरी का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो जल्दी ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो गाइस आप ये भी देख सकते हैं कि यार जल्दी से ना नेक्स्ट में आ जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे ना डेट एंड टाइम पे क्लिक करें तो गाइस आप देख सकते हो यार कि यार सारा कुछ ठीक है, ये जो बग एंड इशू है ना वो फिक्स हो गया है। सो गाइस अगर चाहे तो आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस यही कुछ चेंजेस है जो कि देखने के लिए मिला है आपके डिवाइस में, जो भी बग एंड इशू थे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। देन आप लोग ना जब अपने रियलमी X3 डिवाइस को ना F.05 में अपडेट करेंगे तो गाइस फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है ना वो और भी बेटर होने वाला है, क्योंकि यार एक छोटा मोटा ही चेंजेस देखने के लिए मिला है, लेकिन गाइस आप लोगों को ना काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिल गया है इस अपडेट के थ्रू। सो गाइस इसी वजह से आप लोग अपने रियलमी X3 डिवाइस को F.05 में ज़रूर अपडेट कर लेना। देन आप लोगों को बता दें कि यार ये जो अपडेट देखने के लिए मिला है ना वो गाइस ओनली आप लोगों को एक बग फिक्स अपडेट ही देखने के लिए मिला है। सो गाइस यहाँ पे ना आप लोगों के डिवाइस का जो बग था वो तो फिक्स हो ही गया है। तो देन अगर आपको अपडेट देखने के लिए मिल गया तो आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। अगर बात करें गाइस कि जिन रियलमी X3 डिवाइस के यूजर्स को ना अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है रियलमी UI 2.0 के F.05 का, तो गाइस वो ना अप्रोक्स या 3 से 4 दिन का वेट कर लें। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ना सभी रियलमी X3 डिवाइस के यूजर्स को ना ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना सभी रियलमी X3 डिवाइस के यूजर्स के लिए F.05 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। एंड गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट सभी यूजर्स को लिए भी मिलना स्टार्ट हो जाता है तब भी अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है, एंड अपडेट अप्रोक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से आप अलर्ट रह के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। अब बेसिकली गाइस आप ना 2 PM to 5 PM के बीच में अलर्ट रहना, क्योंकि यार अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो गाइस मोस्टली उसी टाइम में देखने के लिए मिलता है। सो गाइस आप अलर्ट रह के आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ना 3 से 4 दिन का अपडेट कर लो, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस जिन रियलमी X3 डिवाइस के यूजर्स ना वो अपने डिवाइस को रियलमी UI 2.0 के F.05 में अपडेट कर लिए होंगे, एंड गाइस उन्हें यार जो फाइल से जो देखने के लिए मिला होगा 1.31 GB का जो देखने के लिए मिला था, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिर अपडेट में क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला है। तो आई होप गाइस कि मैंने आप लोग को जो चेंज लॉग दिखाया है तो वो देख के आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि ये कुछ चेंज लॉग देखने के लिए मिला है। एंड गाइस आपको अपडेट करने के बाद यार डिवाइस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी दिखता होगा, क्योंकि गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिला ना वो बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिला है। एंड गाइस आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को इन्हेंस कर दिया गया। एंड गाइस ये अपडेट ना काफ़ी बेटर ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये अपडेट देखने के लिए मिला है। सो गाइस ये काफ़ी बेटर अपडेट है। एंड गाइस यहाँ पे जिन यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिला हुआ है, एंड गाइस वो जो कुछ सोच के अपडेट नहीं कर रहे होंगे ये अपडेट में कोई भी बग है या फिर नहीं है, तो गाइस आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये अपडेट में आप लोगों को कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। गाइस आप अपने डिवाइस को ना रियलमी UI 2.0 के F.05 में अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।